राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम है आपकी आवाज। जीवन बीमा प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लियाफी संगठन के आह्वान पर नागदा शाखा के जीवन बीमा अभिकर्ताओं द्वारा शुक्रवार को भारतीय जीवन बीमा निगम नागदा शाखा कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए लियाफी इंदौर मंडल काउंसिल के अध्यक्ष प्रफुल्ल शर्मा और नागदा शाखा इकाई के अध्यक्ष विजय मुजुमदार ने बताया कि जीएसटी हटाने, अभिकर्ताओं के कमीशन में वृद्धि करने, बीमा धारकों के बोनस में वृद्धि करने, सभी बीमा अभिकर्ताओं के लिए मेडिक्लेम सुविधा लागू करने आदि की मांगों को लेकर लियाफी द्वारा 1 दिसंबर 2018 से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया है जो कि 30 मार्च 2019 तक चलेगा। इसमें आगामी जनवरी माह में मंडल कार्यालय इंदौर पर धरना, क्रमिक भूख हड़ताल और मार्च माह में केंद्रीय कार्यालय मुंबई पर धरना दिया जाएगा। बता दें कि इस अवसर पर सर्वश्री सुरेंद्र जैन, सुरेश चावड़ा, कन्हैया लाल गामी, रमेश चंद्र नंदेड़ा, चंद्र सिंह अंजना, लाल सिंह गणपत, ईश्वरलाल, कैलाश चंद्र विजय, जयप्रकाश सहानी, दिनेश सोनी, प्रेमदास बैरागी, बाबूलाल धनौतिया, भरत पंचाल, सरज कांता लड्डा, बाल मुकुंद, गोविंद सिंह, संजय, भरत चौहान, ललित कुमार आदि अभिकर्ता उपस्थित रहे। जैसा आपको विदित है, लियाफी द्वारा अभिकर्ताओं और बीमा धारकों के हित में ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ किया गया है। 4 महीने का हमारा ये आंदोलन का कार्यक्रम है। इसमें जो हमारी कुछ मांगे हैं वो भारत सरकार से है। मई 2018 में जयपुर में हमारी लियाफी की राष्ट्रीय साधारण सभा संपन्न हुई थी और उस साधारण सभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला जी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत साहब उपस्थित थे। हमने लियाफी ने दोनों माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि जो जीवन बीमा प्रीमियम पर जो जीएसटी लागू किया गया है उसे अविलंब हटाया जाए। दुख की बात है और ये बात हम लोग पिछले साल भर से लगातार उठाते आ रहे हैं पर अभी तक जीएसटी बीमा प्रीमियम से नहीं हटाया गया है। तो हम आज के इस धरना के माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब जीवन बीमा के क्षेत्र से जीएसटी को समाप्त किया जाए। नागदा से राकेश कानून को की रिपोर्ट पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।